हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन मसाला ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत टेस्टी और लाजवाब बनते हैं। इसे आप ज़रूर मेरे तरीके से बना के ट्राई करके देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप नए हैं मेरी चैनल पे, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन लिया है, जिसे नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट इक्वल क्वांटिटी में, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और मैंने 2 टेबल चम्मच यहाँ पे दही लिया है, जिसे इसमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चिकन को मैंने मैरिनेट कर लिया है, इसे आप 1 घंटा मैरिनेट करके छोड़ दें। इधर मैंने मिक्सर के जार में यहाँ पे 2 टोमेटो, 2 हरी मिर्च और यहाँ पे 7 से 8 काजू डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड करके इसका एक पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 प्याज लिया है, जिसे बारीक कट कर लेना है। फिर एक पैन में मैंने यहाँ पे 3 टेबल चम्मच ऑयल लिया है, जिसमें 2 तेज पत्ता, 2 इलायची और बारीक कटी हुई प्याज इसमें डाल के आप इसे थोड़ा देर फ्राई करें। प्याज को लाइट गोल्डन कलर होने तक इसे फ्राई करना है। प्याज का कलर ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। फिर आप इसमें पिसी हुई टोमेटो और काजू का पेस्ट इसमें डाल दीजिए। फिर इसमें नमक, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसे अच्छे से फ्राई कीजिए। मसाले को तब तक फ्राई कीजिए जब तक ना इसका ऑयल अलग से दिखने लगे। मीडियम फ्लेम में इसे आप फ्राई करें। मसाला मेरा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब आप इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन को इसमें ऐड कर दीजिए और इसे फिर से थोड़ा देर फ्राई करें। चिकन को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। फिर आप इसमें 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। आप चाहे तो मिर्ची का क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। फिर आप इसमें ग्रेवी के लिए 1 कप ऐसा पानी ऐड करके लीड लगा के आप सिम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। हरी धनिया को मैंने यहाँ पे चिकन में डालने के लिए बारीक कट कर लिया है। 10 मिनट इसे सिम पे पकाने के बाद एक बार लीड को ओपन कर लीजिए और इसे चेक कर लीजिए चिकन सॉफ्ट हुआ है या नहीं। ये चिकन लगभग बन के रेडी है। फिर आप इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल के गैस ऑफ कर दीजिए। ये चिकन बन के रेडी है। चावल या रोटी किसी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए, तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।